क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, आर कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए कोस 2 थीटा, पोलर इक्वेशन है, आइसमटोट्स फाइंड आउट करने हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया इसको, पुट आर इक्वल्स टू 1 बाई यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इस इक्वेशन में आर को 1 बाई यू से रिप्लेस करें तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आई दैट विल बी 1 बाई यू मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए कोस 2 थीटा, विच इम्प्लाइज u को राइट साइड में ऊपर लेके जाएंगे और a cos थीटा को लेफ्ट साइड में नीचे लेके जाएंगे, तो हमारे पास आया u इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन a इंटू cos 2 थीटा, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दिया। नेक्स्ट स्टेप में एज u टेंड्स टू जीरो तो u की जो वैल्यू है दैट इज cos थीटा अपॉन a cos 2 थीटा, तो ये वैल्यू भी आपकी टेंड टू जीरो होगी, यहाँ से दैट इज cos थीटा विल टेंड टू जीरो, दैट इज थीटा टेंड्स टू 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integers, ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, therefore theta 1 is equals to 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integers, तो theta 1 की वैल्यू आ गई, अब क्या निकालना है p, now p is equals to, तो p का फॉर्मूला होता है हमारे पास यही है, limit theta tending to theta 1 minus d theta upon du, पर इससे पहले हमें देखिए d थीटा अपॉन du की रिक्वायरमेंट थी, तो क्यों ना इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट du अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू ये समथिंग u अपॉन v की फॉर्म में है, तो नीचे वाले का स्क्वेयर दैट इज a cos 2 थीटा का स्क्वेयर ऊपर पहले a cos थीटा एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई तो ऊपर cos थीटा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो आएगा माइनस साइन थीटा प्लस अब ऊपर वाला एज इट इज दैट इज cos थीटा एज इट इज रहेगा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो a कांस्टेंट है cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा साइन 2 थीटा माइनस के और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन दैट विल बी 2 व्हिच इंप्लाइज du अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के a cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस ये माइनस आ गया 2a cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन a cos 2 थीटा का होल स्क्वेयर तो du by d थीटा की वैल्यू आ गई देयरफॉर p इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू थीटा 1 है थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2n plus 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स तो वैल्यू पुट कर दी हमने 2n plus 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n belongs to integers, यहाँ पर रहेगा क्या देखिए माइनस के यहाँ पर है हमारे पास d theta upon du की रिक्वायरमेंट और हमारे पास है कितना du upon d theta, तो इसका reciprocal कर लें तो माइनस साइन पहले से है इसका reciprocal करेंगे तो a cos 2 theta का स्क्वायर ऊपर आएगा अपॉन नीचे कितना आएगा माइनस के a cos 2 theta into sin theta माइनस यहाँ पर है 2a तो इस 2 को मैं बाद में लिख देता हूँ मिस कर दिया हमने 2a cos theta multiplied by sin 2 theta which implies p equals to अब ये जो theta tends to theta 1 था इस theta 1 की वैल्यू पुट कर दें इसमें तो हमारे पास आएगा माइनस के a स्क्वायर है cos 2 into अब theta की वैल्यू 2n plus 1 into pi by 2 और उसका होल स्क्वायर अपॉन माइनस a cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 2n plus 1 into pi by 2 dot sin थीटा की वैल्यू है 2n plus 1 into pi by 2 minus a into cos थीटा की वैल्यू 2n plus 1 into pi by 2 multiplied by sin 2 into this theta that is 2n plus 1 into pi by 2 multiplied by 2 which implies p is equals to अब देखिए ऊपर है माइनस के a स्क्वायर है अब ये रहेगा यहाँ पर cos of 2 से 2 कैंसिल 2n plus 1 into pi और ये इसका होल स्क्वायर है अब यहाँ पर n belongs to integers है तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हमेशा माइनस 1 रहेगी और उसका स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर तो वहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया अपॉन माइनस a cos अभी देखिए 2 से 2 कैंसिल cos 2n plus 1 into pi हम कर चुके हैं अभी पीछे भी किया था तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी माइनस 1 यहाँ पर sin 2n plus 1 into pi by 2 इसकी वैल्यू रहेगी माइनस 1 raised to power n माइनस अब यहाँ पर हम देखें
टू से टू कैंसिल, साइन टू एन प्लस वन इंटू पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये वैल्यू हमेशा रहती क्या, आपको आपको पता है, देखिए साइन पाई ओड है तो साइन थ्री पाई फाइव पाई हमारे पास है, साइन पाई साइन थ्री पाई साइन फाइव पाई हमेशा ये क्या होते हैं, जीरो। तो मल्टीप्लाइड बाई ये टर्म इंटू टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो, तो ओवरऑल में ये टर्म तो जीरो ही आएगी, विच इम्प्लाइज पी इज इक्वल्स टू माइनस के ए स्क्वेयर, माइनस वन का स्क्वेयर तो प्लस वन रहेगा, अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस के ए, और माइनस वन रेज टू पावर एन विच इज इक्वल्स टू माइनस के, अब एक ये ए से एक पावर कैंसिल, तो माइनस ए अपॉन माइनस वन रेज टू पावर एन, पी की वैल्यू आ गई। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आइसेम्प्टोट इज गिवन बाई आर साइन थीटा वन माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू पी, हमारे पास फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ आइसेम्प्टोट का, विच इम्प्लाइज आर साइन थीटा वन की वैल्यू पुट कर दें टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू, पी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए अपॉन माइनस वन रेज टू पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, विच इम्प्लाइज, अब देखिए आर एज इट इज साइन टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं माइनस के वन रेज टू पावर एन साइन पाई बाई टू माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस के ए अपॉन माइनस वन रेज टू पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वन रेज टू पावर एन है इसको हमने क्या किया, विच इम्प्लाइज, इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे, यहाँ पर बचेगा आर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस के ए अपॉन माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू माइनस वन रेज टू पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, विच इम्प्लाइज, देखिए आर साइन पाई बाई टू की वजह से चेंज होगा कोस में, और थीटा क्योंकि पाई बाई टू माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आर कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस के ए अपॉन माइनस के वन रेज टू पावर टू एन। अब यहाँ पर हम देखें माइनस के वन रेज टू पावर टू एन, इसको आप लिख सकते हैं माइनस के वन रेज टू पावर टू और उसकी पावर एन, माइनस के वन रेज टू पावर टू मीन्स पॉजिटिव के वन और उसकी पावर एन वन, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के ए अपॉन वन। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई आर कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ आइसेम्प्टोट था। मैंने जो यहाँ पर किया था इसको मैंने कॉमन ले लिया, पर क्योंकि आंसर मैच करना है हमें जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो उसके लिए इस तरीके से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा।